नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में नगर निकाय चुनाव को स्थगित करने का ऐलान कर दिया। लेकिन ऐसे में बड़ी बात ये हो गई है कि बिहार में जो नगर निकाय चुनाव है वो लंबे समय तक लटका रह सकता है। जी हाँ, जितनी भी संभावनाएं हैं उसको देखकर यही लगता है। ऐसे में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण बिहार में नगर निकाय चुनाव को लंबे वक्त तक लटकना पड़ सकता है। चलिए विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। बिहार सरकार ने ये ऐलान किया है कि वह पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाने वाले मंत्री विजय चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अति पिछड़ों के अधिकार को लेकर सजग है। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में होगा। बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो मामले की सुनवाई तत्काल होने के आसार न के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट मामलों की ही तत्काल सुनवाई करता है। अब जब बिहार में चुनाव स्थगित हो गया है तो मामले की तत्काल सुनवाई की कोई हड़बड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील राजेश कुमार अग्रवाल ने फर्स्ट बिहार को बताया कि ज़्यादा उम्मीद इसी बात की है कि सुप्रीम कोर्ट इसे सामान्य मामले की तरह ही देखेगा। वहीं वकील राजेश अग्रवाल ने बताया कि इसकी भी बेहद कम उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को कोई राहत मिलेगी। निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट आदेश दे रखा है, उसमें किसी राज्य को कोई छूट नहीं दी जाएगी। बिहार के मामले में भी पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ही सुनवाई की थी। पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर अपना जजमेंट दिया है। बिहार सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट अपना ही फैसला बदल लेगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत जाकर बिहार में निकाय चुनाव के लिए सीट आरक्षित किए गए। कानूनी जानकार ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार लोगों के बीच भद पीटने से बचने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है, उसके केस में कोई दम नहीं दिख रहा। इससे पहले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानकर ही स्थानीय निकाय चुनाव कराना पड़ा। सबसे पहले ये जानिए कि स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट का ये आदेश दे रखा है। सबसे पहला, किसी राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की कठोर जांच करने के लिए एक आयोग की स्थापना करनी होगी। दूसरा, आयोग राजनीतिक रूप से पिछड़ों की पहचान कर राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। उसकी सिफारिशों के मुताबिक स्थानीय निकाय में आवश्यक आरक्षण के अनुपात को राज्य सरकार अधिसूचित करेगी ताकि किसी तरह का भ्रम न फैले। और तीसरा, किसी भी राज्य में मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं होगा। कानूनी जानकार बता रहे हैं कि बिहार सरकार को ऐसे ही करना होगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार आयोग बनाकर उसके रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का प्रावधान कर चुकी है। अब बिहार सरकार को ये पूरी कवायद करनी होगी। जाहिर है इसमें लंबा वक्त लगेगा। सरकार के पास एक रास्ता ये भी है कि वह निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म कर चुनाव करा ले। ये राजनीतिक तौर पर संभव नहीं है। कुल मिलाकर नतीजा यही निकलता है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव कराने में अभी लंबा वक्त लगेगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें।